दोनों गाड़ियाँ भीग चुकी हैं मेरी, नहा लिया है गाड़ियों ने और मैं अभी बाकी हूँ। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि नहा लूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप तो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मौसम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रहा है, और मौसम की बात करा जाए तो रात से पानी बरस रहा है, पूरा प्रॉपर तरीके से बरस रहा पानी। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम हो रहा, प्यारा कि आप पूछो मत। सोच रहा था कि जिम चला जाऊं, बट पानी बरस रहा है बिल्कुल। आप देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। बस ये स्कूटर मेरा पूरा भीग चुका है, अब इससे हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं अभी। और पानी अभी भी बिल्कुल रिमझिम पानी बरस रहा है। तो अभी मैं जिम नहीं निकलूँगा, ट्राई करूँगा कि 10 बजे तक पानी थोड़ा सा रुक जाए और फिर जिम जाया जाए। आई होप सो कि पानी रुकना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है इस टाइम पे। तो गाइस मुझे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाना चाहिए था, बट अभी नहीं निकल सकते। गाइस अभी जिम के लिए निकल रहा हूँ, आज शाम को जिम जा रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में पानी बरस रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जब जिम नहीं जा पाया। तो अभी निकल रहा हूँ जिम के लिए। सो देखते हैं, आज हैवी वर्कआउट है मेरा, और सैटरडे का वर्कआउट काफ़ी हैवी रखता हूँ मैं, तो चलो चलते हैं। सो गाइस ऐसा लग रहा है कि बादल देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम घने काले बादल आ गए हैं और हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के बीच में बारिश होने वाली है गाइस। सो गाइस मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि मैं जिम पहुंच पाऊंगा। आप देख सकते हो कि पीछे देखो कितना भयंकर तरीके से हवाएं तेज चल रही हैं, और मैं आपको नहीं बता सकता गाइस। तो जल्दी जल्दी चलते हैं जिम की ओर। गाइस अभी जस्ट आ चुका हूं जिम से, वापस आ गया हूं, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर अभी, और भूख भी लगने लगी है। तो चलो कुछ बनाते हैं, अभी लाए हैं अंडे वगैरह लाया हूँ और पीनट्स वगैरह। गाइस भूख लग रही है यार बहुत तेज, तो सोच रहा हूँ कुछ बना लूँ। तो जा रहा हूँ किचन में, देखता हूँ क्या पड़ा है, तो देखते हैं कुछ बनाते हैं। काफ़ी तेज़ भूख लग गई यार, सुबह ब्रेकफास्ट किया था, देन इसके बाद 12 बज चुका है, अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। इस रात का डिनर बन रहा है, अभी ये चिकन चढ़ा हुआ है, काफ़ी गर्म हो चुका है भाई। ये देखिए ये बन रहा है अपना। सो फाइनली सैलेड तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है इस पर रखा जाएगा चिकन, जो कि अभी बन रहा है। गाइस सेविंग करते करते मूँछ से ब्लेड लग गया, तो फिर मूँछ काटनी पड़ी क्योंकि आधी साइड की मूँछ यहाँ से निकल चुकी थी। तो बट चेहरा बहुत अजीब ही लग रहा, कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है यार। खैर कोई ना, ये तो अपने घर की खेती है, कभी भी आ सकती है। तो आई होप तो आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस वीडियो अब अपने ट्रैक पे आ रही है और आप लोग का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, और सपोर्ट बनाए रखिए, और हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। गाइस जो भी खाओ हेल्दी खाओ। सो आप देख सकते हैं 250 ग्राम चिकन विद सैलेड इवनिंग टाइम। वैसे गाइस बना बहुत टेस्टी है, बट थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा हो गया, बट यमी, बहुत ही यमी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे आप पहली बार आए हैं
मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।